नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आजकल कभी किसी को नीचे बैठकर खाना खाने के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं, ना नीचे बैठकर खाना, ना बाबा ना, कितना आउटडेटेड और असभ्य सा तरीका है। यही शब्द आपको सुनने को मिलते हैं कि कहीं किसी ने आपको नीचे बैठकर खाना खाते हुए देख लिया तो आपके लिए कितनी शर्मिंदगी भरा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षि जमीन पर बैठकर भोजन किया करते थे? वे ना तो असभ्य थे और ना ही निचले तबके के। फिर क्यों भोजन करने के लिए वे जमीन को ही चुनते थे? चलिए, आज हम आपको जमीन पर बैठकर खाना खाने का तात्पर्य और उसके फायदे बताते हैं, जिनसे अभी तक आप पूरी तरह अपरिचित हैं। दोस्तों, अगली बार जब भी आप जमीन पर बैठकर खाना खाने का मौका लगे तो इसे गौरव से करें। यह शर्म का नहीं बल्कि हेल्थ का विषय है। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को बनाया है वह गलत तो नहीं हो सकती, इसलिए आवश्यकता है उनकी विज्ञानता को समझ कर व्यवहार करें। जमीन पर खाने की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इससे वजन नहीं बढ़ता, पाचन क्रिया सुधरती है, दिल मजबूत होता है, और जैसे और भी कई फायदे हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन कौन से फायदे हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने के। दोस्तों, जमीन पर बैठकर खाना खाने का अर्थ सिर्फ भोजन करने से नहीं है, यह एक प्रकार का योगासन कहा जाता है। जब हम भारतीय परंपरा अनुसार जब हम जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उस तरीके को सुखासन या पद्मासन की तरह देखा जाता है। यह आसन हमारे स्वास्थ्य दृष्टि से बहुत लाभप्रद है। दोस्तों, इस तरीके से बैठने से आपके रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर जोर पड़ता है, जिससे आपके शरीर को आरामदायक अनुभव होता है। इससे आपकी सांस थोड़ी धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है और रक्तचाप में भी कमी आती है। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है, जिससे खाना जल्दी पचता है। अब आप देख लीजिए, जमीन पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ आप भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि साथ ही साथ योग भी कर रहे होते हैं। जमीन पर बैठकर खाने से आपको भोजन करने के लिए प्लेट की तरफ झुकना पड़ता है। यह एक नेचुरल पोज है। लगातार आगे झुक होकर झुकने और फिर पीछे होने की प्रक्रिया से आपके पेट की मांसपेशियां निरंतर कार्यरत रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। भोजन करने के लिए जब आप पद्मासन में बैठते हैं तब आपके पेट, पीठ के निचले हिस्से और कूल्हे की मांसपेशियों में लगातार खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से दर्द और असहजता से छुटकारा मिलता है। इस मांसपेशियों में अगर खिंचाव लगातार बना रहेगा तो इससे स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। जमीन पर बैठकर बैठना और उठना एक अच्छा व्यायाम माना जाता है। भोजन करने के लिए तो आपको जमीन पर बैठना ही होता है और फिर उठना भी। अर्ध पद्मासन का यह आसन आपको धीरे धीरे खाने और भोजन को अच्छी तरह से पचाने में सहायता देता है। एक साथ बैठकर खाने से फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं। साथ ही पद्मासन में बैठकर खाने से आप मानसिक तनाव से दूर होते हैं, जिससे आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने जमीन पर बैठकर खाना खाने के कितने फायदे हैं। तो आगे से जमीन पर बैठकर खाना खाएं और स्वस्थ रहें दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।